नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और सीधी तस्वीरें आप अंबाला शहर की अनाज मंडी से देख रहे हैं कि किस तरीके से किसान जो हैं अब अनाज मंडी से निकल चुके हैं आवारा पशुओं के साथ, यानी कि अब किसान जो हैं डीसी दफ्तर की तरफ कूच कर रहे हैं। जैसा कि किसानों की कहना था कि जो किसान है वो डीसी दफ्तर में सभी पशुओं को जाकर बांध देंगे अगर प्रशासन उनकी नहीं सुनता है। तो आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन भी अब डीसी दफ्तर में पहुंच चुका है और हर तरफ बैरिकेड जो है वो लगा दिए गए हैं ताकि किसान डीसी दफ्तर के अंदर एंटर ना कर सके। लेकिन किसानों ने भी ठान ली है कि सभी पशुओं को, आवारा पशुओं को वो डीसी दफ्तर में ही बांधेंगे, तो किसान भी निकल पड़े हैं। तो आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं कि किसान किस तरीके से भारी संख्या में अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में आवारा पशुओं को भरकर डीसी दफ्तर की तरफ कूच कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं, बैरिकेड जो है वो लगा लिए हैं। लेकिन किसानों का कहना है कि वो अपने जो आवारा पशु हैं वो डीसी दफ्तर में ही बांधेंगे और किसान जो कि किसान है वो भी अब वहीं पर धरना लगा के डीसी दफ्तर में पहुंच चुके हैं और धरना जो है वो उन्होंने वहीं पर लगा दिया है और किसान जो है वहीं पर डट कर बैठ चुके हैं। जब तक प्रशासन उनकी आवाज़ नहीं सुनेगा तब तक किसान जो है वहां से नहीं हिलेंगे। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से किसान भारी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर अब डीसी दफ्तर में पहुंच गए हैं। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहिए अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ डाउनलोड करना ना भूलें। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं आप और सीधी तस्वीरें आप अंबाला शहर की अनाज मंडी से देख रहे हैं कि किस तरीके से किसान जो हैं अब अनाज मंडी से निकल चुके हैं आवारा पशुओं के साथ, यानी कि अब किसान जो हैं डीसी दफ्तर की तरफ कूच कर रहे हैं। जैसा कि किसानों की कहना था कि जो किसान है वो डीसी दफ्तर में सभी पशुओं को जाकर बांध देंगे अगर प्रशासन उनकी नहीं सुनता है। तो आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन भी अब डीसी दफ्तर में पहुंच चुका है और हर तरफ बैरिकेड जो है वो लगा दिए गए हैं ताकि किसान डीसी दफ्तर के अंदर एंटर ना कर सके। लेकिन किसानों ने भी ठान ली है कि सभी पशुओं को, आवारा पशुओं को वो डीसी दफ्तर में ही बांधेंगे, तो किसान भी निकल पड़े हैं। तो आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं कि किसान किस तरीके से भारी संख्या में अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में आवारा पशुओं को भरकर डीसी दफ्तर की तरफ कूच कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं, बैरिकेड जो है वो लगा लिए हैं। लेकिन किसानों का कहना है कि वो अपने जो आवारा पशु हैं वो डीसी दफ्तर में ही बांधेंगे और किसान जो कि किसान है वो भी अब वहीं पर धरना लगा के डीसी दफ्तर में पहुंच चुके हैं और धरना जो है वो उन्होंने वहीं पर लगा दिया है और किसान जो है वहीं पर डट कर बैठ चुके हैं। जब तक प्रशासन उनकी आवाज़ नहीं सुनेगा तब तक किसान जो है वहां से नहीं हिलेंगे। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से किसान भारी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर अब डीसी दफ्तर में पहुंच गए हैं। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहिए अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ डाउनलोड करना ना भूलें।